नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 के तैयारी के क्रम में आज हम आपके समक्ष इंग्लिश ग्रामर से एक महत्वपूर्ण चैप्टर इन्फिनिटिव लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम इससे पहले के वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आपको पार्टिसिपल और जेरंड की जानकारी दे चुके हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देख पाया हो तो सब्सक्राइब कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इन्फिनिटिव में देखते हैं। आपको एक चार्ट के माध्यम से डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच हम दिखा रहे हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे नॉन फाइन आर्ट्स भी कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऊपर देख सकते हैं पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनिटिव दिया है। तो इन्फिनिटिव के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। इन्फिनिटिव जो कि दो प्रकार का होता है, सिंपल इन्फिनिटिव और जेरंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव को नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं और जेरंडियल इन्फिनिटिव को क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। तो आइए इसको आगे देखते हैं। इन्फिनिटिव का पहला भाग सिंपल इन्फिनिटिव, उसके एग्जाम्पल एक नज़र डालें। टू अर इज ह्यूमन, दूसरा है माई डिजायर इज टू सी यू अगेन, दो इसके एग्जाम्पल हैं। पहले एग्जाम्पल में टू अर इन्फिनिटिव है और जबकि दूसरे में टू सी, इसमें सिंपल इन्फिनिटिव जो कि सिंपल इन्फिनिटिव के रूप में है। सिंपल इन्फिनिटिव और जेरंड में अदल बदल हो सकता है, जिसको आप नीचे देख सकते हैं। टीच मी स्विमिंग जो कि जेरंड है स्विमिंग, और टीच मी टू स्विम ए सिंपल इन्फिनिटिव है। अब आते हैं जेरंडियल इन्फिनिटिव की तरफ। इसका सबसे जो मेन उद्देश्य होता है एक्सप्रेस पर्पज करना, यानी आपका जो उद्देश्य है उसको दर्शाना। अगर उद्देश्य दर्शाने की बात आती है तो हम इन्फिनिटिव की मदद लेंगे। जैसे नीचे के उदाहरणों में देख लें, वी ईट टू लिव, यहाँ टू लिव जो है इन्फिनिटिव है। ईट यानी जो हम खाते हैं सिर्फ जीने के लिए, हमारे खाने का उद्देश्य क्या है, जीना। तो यहाँ उद्देश्य को दर्शाना है, इसलिए यहाँ टू इन्फिनिटिव जो लगता है वो सबसे उपयुक्त रहता है। आगे देख सकते हैं, आई एम टू ओल्ड टू डू एनी वर्क, यहाँ भी टू डू आपका इन्फिनिटिव है जो कि पर्पज एक्सप्रेस कर रहा है। अगला है यू आर ए मैन टू बी एडमायर्ड, ये चूंकि पैसिव रूप में है, टू बी एडमायर्ड पैसिव फॉर्म में है, और यहाँ भी उद्देश्य दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस जेरंड का जो उद्देश्य होता, जेरंड का जो मेन वर्क होता है क्वालिफाई करना होता है। एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन या सेंटेंस को ये क्वालिफाई करता है। और इसका एक है कि जेरंडियल इन्फिनिटिव और जेरंड में अदल बदल संभव नहीं है, ये मेन बिंदु है। आगे भी इसको हम दिखा दे रहे हैं। अब जेरंड और जेरंडियल इन्फिनिटिव में अंतर देख लें। जेरंड नाउन का कार्य करता है जबकि जेरंडियल इन्फिनिटिव है एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। जेरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लसिंग होती है और कभी भी लुप्त नहीं होती, जबकि जेरंडियल इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव में टू लुप्त हो जाता है। आगे आपको हम बेयर इन्फिनिटिव के बारे में जानकारी देंगे। और इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, डूइंग इज लर्निंग और दिस मैंगो इज फिट टू ईट। ये डूइंग इज लर्निंग जो है जेरंड का एग्जाम्पल है जबकि दिस मैंगो इज फिट टू ईट जेरंडियल इन्फिनिटिव का। ही इज फॉन्ड ऑफ होल्डिंग मनी, ये जेरंड का एग्जाम्पल है जबकि देयर वॉज नॉट ए मोमेंट टू बी लॉस्ट, ये पैसिव में है और
जेरंडियल इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल है। अब आइए बेयर इन्फिनिटिव यानी कि जो इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है उसके बारे में भी जानकारी कर लें। आई सा हिम गो, इसमें गो के साथ टू गो यानी कि टू छिपा हुआ है। ही मेड मी रन यानी रन के साथ टू रन छुपा हुआ है। बीड लेट मेक नीड सी हियर आदि वर्ड्स के साथ टू इन्फिनिटिव नहीं लगता है यानी कि ये इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव यूज होते हैं। इसके अलावा हैड बेटर हैड रैदर वुड रैदर के साथ भी बेयर इन्फिनिटिव यानी टू छिपा रहता है। जो देखिए यू हैड बेटर आस्क परमिशन, यहाँ भी आस्क के साथ टू है जो कि छुपा है। आई हैड रैदर जो टू प्ले है टू छुपा है प्ले देन वर्क। और दे डिड नथिंग बट डांस एंड सिंग, यहाँ डू वर्ब आया है और डू के साथ जब यहाँ वर्ब डू होने कारण यहाँ विदाउट इन्फिनिटिव यूज हुआ है यानी बेयर इन्फिनिटिव। अगले में आप देख सकते हैं ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, यहाँ जबकि टू लगा हुआ है यानी कि अगर वर्ब डू हो तो वहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव आता है। इसके आगे कैन मे मस्ट शुड वुड आदि मॉडर्न एक्सिलरी के साथ टू लुप्त रहता है यानी कि बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। और जब एक से अधिक इन्फिनिटिव हो तो टू पहले इन्फिनिटिव के पूर्व लगता है, जैसे ही हैड ज्वाइंड द क्लब टू ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यहाँ पहला जो वर्ब है ईट उसके पहले टू लगा है। और नो के बाद भी हाउ प्लस इन्फिनिटिव लगता है, ही नोज हाउ टू प्ले चेस। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले इसका जो सिंटेक्स में यूज होता है करेक्शन में वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है, आइए देख लें कि करके पहले करेक्शन में देखते हैं। पहला इनकरेक्ट वाक्य है मार्कोनी इज सेड टू इन्वेंट वायरलेस, यहाँ टू इन्वेंट इन्फिनिटिव के रूप में यूज हुआ है जो कि गलत है क्योंकि यह पूर्व के समय की ओर संकेत करता है, अतः यहाँ परफेक्ट इन्फिनिटिव होना चाहिए मार्कोनी इज सेड टू हैव इन्वेंटेड वायरलेस। अगला वाक्य है द थीफ वॉज एबल टू इजिली मेक हिज एस्केप, यहाँ टू इन्फिनेटिव है मेक वर्ब के साथ है, बीच में एडवर्ब इजिली का यूज किया गया जो कि गलत है, टू और वर्ब के बीच कोई वर्ड्स नहीं आने चाहिए, तो इसका करेक्ट होगा करेक्ट सेंटेंस द थीफ वॉज एबल टू मेक हिज एस्केप इजिली। दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा यूज एक होता है कन्वर्ट करने में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए, उसमें भी इन्फिनिटिव का ज़्यादा यूज होता है। नीचे के वाक्य पर नज़र डालें ही हैज नो मनी दैट ही मे स्पेंड, इसका सिंपल में होगा ही हैज नो मनी टू स्पेंड, देख सकते हैं। अब अगला यूज आपको दिखा रहे हैं हम इसका सिंथेसिस के अंतर्गत, जिसमें कुछ सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। ही इज वेरी वीक पहला वाक्य है, दूसरा है ही कैन नॉट पास, ही इज वेरी वीक और ही कैन नॉट पास, इसका कंबाइन रूप है ही इज टू वीक टू पास, इन्फिनेटिव के प्रयोग करके हम इसको एक सिंपल में कंबाइंड किए। तो मित्रों ये रहा है आज का पूरा चैप्टर और बराबर अभ्यास आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से हम कराते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियो आसानी से मिलते रहें। फिर अगले वीडियो तक नमस्कार और साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।